माहौलियाती मसाइल और इनके हल के लिए अक़वामे मुत्तहिदा के ज़ेरे एहतमाम मिस्र के शहर शर्म शेख में आलमी सरबराह कॉन्फ्रेंस जारी। कुरायार्स को मौसमारी तब्दीलियों के खतरात से महफूज बनाना अहम फोकस। माहौल की तब्दीली की वजह से आलमी सतह पर सैलाब, कहत साली, आतिशजदगी। पेरिस माहिरे के तहत आलमी दर्जा हरारत में 2 डिग्री कमी लाने के लिए इकदाम और आइंदा की हिकमत अमली भी मौजूद बहस। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ अब से कुछ देर में COP27 सरबराह इजलास से खिताब करेंगे। इफ्तिताही तकरीब में तमाम सरबराहान ने मुमलिकत का ग्रुप फोटो लिया गया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान की मिस्र में मुलाकात। बाहमी मुफाद के मुश्तरका मकासद के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म ने सैलाब मुतासरीन की फराग दिलाना इमदाद पर UAE की क़यादत और आवाम का शुक्रिया अदा किया। मौसमियाती तब्दीलियों के असरात से निमटना तनहा तरक्की पजीर ममालिक के बस में नहीं। आलमी बिरादरी को मिलकर कुर्रे अर्ज की बका का मुश्तरका चार्टर बनाना होगा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की IMF की MD क्रिस्टेलिना जॉर्जिया से COP27 सरबराह इजलास के मौके पर मुलाकात। IMF प्रोग्राम पूरा करने की यकीन दहानी। अवाम की जान बचाना और मुतासरीन सैलाब की बहाली पहली तरजीह है। सैलाब मुतासरीन की फौरी मदद और बहाली के लिए बजट तखमीनों में तब्दीली लाए हैं। उम्मीद है कि COP27 कॉन्फ्रेंस मौसमियाती इंसाफ दिलाने में संगे मील साबित होगी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ शर्मुल शेख में COP27 सरबराह इजलास में मरकज़ निगाह। वज़ीर आज़म ने आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें की। इराक के सदर अब्दुल लतीफ राशिद, ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमानोव, इंडोनेशिया के सदर जोके दो, लिबनान के वज़ीर आज़म नजीब मिकाती और अरब लीग के सेक्रेटरी जनरल ने मोहम्मद शहबाज शरीफ से अलग अलग मुलाकातें की। सैलाब से होने वाली तबाहकारियों और जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार। सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान के खिलाफ तोहीन अदालत केस की समाअत। चीफ जस्टिस उमरता बदियाल का इमरान खान पर फायरिंग के वाकये की 24 घंटे में FIR दर्ज करने का हुक्म। FIR के हवाले से पंजाब हुकूमत के एतराजात हैं। IG पंजाब पुलिस की तरफ से कानून के मुताबिक उठाए गए इकदाम पर इसे अदालत की हिमायत हासिल होगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। और महकमे मौसमियात की मुल्क के बेशतर अजला में मतला जुज़वी अबर आलूद रहने की पेशगोई। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ मजीद बारिश की तवक्को। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का इम्कान। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ न्यूज़ शो @6 के साथ मैं हूँ रिजवान अली अहमद। मैं हूँ नाज़िया खान। टॉप स्टोरीज आप जान चुके हैं, तफसीलात इस ब्रेक के बाद। साफ रहिएगा। मोहम्मद से वफा तू ने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या, लौह कलम तेरे हैं।
नाज़रीन माहौलियाती मसाइल और उनके हल के लिए अक़वामे मुत्तहिदा के ज़ेरे एहतमाम मिस्र के शहर शर्म अल शेख में आलमी सरबरा कॉन्फ्रेंस शुरू हो चुकी है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ सरबरा इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। कॉन्फ्रेंस COP27 अक़वामे मुत्तहिदा के फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के तहत फैसला साजी का सबसे बड़ा इदारा है, जो मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए इज्तिमाई कोशिशों का जायजा लेने और इसे आगे बढ़ाने के लिए सालाना बुनियादों पर इजलास करता है। शर्म शेख में होने वाली कॉन्फ्रेंस COP27 में 100 से ज्यादा मुल्कों के सरबराहान हुकूमत और ममलिकत शरीक हैं। कुर्रा अर्ज को मौसमारी तब्दीलियों के खतरात से महफूज बनाना कॉन्फ्रेंस का अहम फोकस है। इजलास की इफ्तिताही तकरीब में तमाम सरबराहान ममलिकत का ग्रुप फोटो लिया गया। क्लाइमेट इम्प्लीमेंटेशन समिट के इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए अक़वामे मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेस ने कहा कि मौसमारी तब्दीली की सूरत में अक़वामे आलम को एक बड़े चैलेंज का सामना है, जिससे निमटने के लिए हमें तरजीही और फौरी अमली इकदामात करना होंगे। This UN climate conference is a reminder that the answer is in our hands and the clock is ticking. We are in the fight of our lives and we are losing. Greenhouse gas emissions keep growing. Global temperatures keep rising and our planet is fast approaching tipping points that will make climate chaos irreversible. It is a defining issue of our age. It is the central challenge of our century. It is unacceptable, outrageous and self-defeating to put it on the back burner. Indeed, many of today Pakistan mausmi tabdiliyon se sabse zyada mutasir hone wale mulkon ki aalmi darjabandi mein 5ve number par hai, jabki aalmi carbon ikhraj mein Pakistan ka hissa 1% se bhi kam hai. 2010 और रवा साल पाकिस्तान में आने वाले सैलाब ने सैकड़ों जानों को लुकमा अचल बनाया, करोड़ों अफराद बेघर हुए और अरबों रुपए के इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा, जो इस मौसमियारी तब्दीली की वजह से है। पाकिस्तान में गजाई अजनास की पैदावार में कमी, वबाई अमराज के फैलाव में इजाफा, खुश्क साली और ग्लेशियर्स के पिघलाव भी मौसमियारी तब्दीलियों का ही नतीजा है। COP27 सरबरा अजलास का प्लेटफॉर्म पाकिस्तान के मौकफ को आलमी सतह पर उजागर करने का बायस बनेगा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ मौसमारी तब्दीली के मौजू पर क्लाइमेट इम्प्लीमेंटेशन समिट में शिरकत के लिए शर्म शेख इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर पहुंचे तो मिस्र के सदर अब्दुल फतह सीसी और अक़वामे मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेस ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक कॉन्फ्रेंस और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की दीगर अहम मसरूफियात की तफसील जानने के लिए हमने राब्ता किया है अपने नुमाइंदे रियाज बरकी से, जो कि इस वक्त शर्म अल शेख में मौजूद हैं। रियाज, कॉन्फ्रेंस की तफसीलात के हवाले से बताइएगा और वज़ीर आज़म की आज की मसरूफियात के हवाले से भी आगाह कीजिएगा। जी, अक़वामे मुत्तहिदा के ज़ेरे इंतज़ाम मौसमियाती तब्दीली के हवाले से जो कॉन्फ्रेंस है COP27, वो मिस्र के शहर शर्म शेख में शुरू हो गई है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। इस कॉन्फ्रेंस में तकरीबन 120 के करीब जो मुल्क हैं उनके सरबराहान ममलिकत और सरबराहान हुकूमत वो भी शरीक हैं। अक़वामे मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेस भी इस कॉन्फ्रेंस में शरीक हैं। इस कॉन्फ्रेंस में बुनियादी तौर पर मौसमियाती तब्दीलियों के जो असरात हैं उन्हें रोकने के लिए मुख्तलिफ हल पेश करने पर गौर किया जा रहा है। और जिस तरह गुज़श्ता जो COP26 हुई थी उसमें ये तय किया गया था कि मौसमियाती तब्दीली के जो असरात हैं उसे रोकने के लिए और साफ तवानाई पैदा करने के लिए हर साल तरक्की याफ्ता जो ममालिक हैं वो $100 अरब की सरमायाकारी करेंगे। सारी बातें इस पर तफसीली गौर होगा आलमी सतह पर। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ इसमें शरीक हैं। इस जो कॉन्फ्रेंस है उसी के दौरान वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और अक़वामे मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेस के दरमियान मुलाकात होगी। फिर दोनों जो रहनुमा हैं यहाँ पर कायम पाकिस्तानी पवेलियन का विज़िट करेंगे और वहाँ पर एक मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से भी खिताब करेंगे, जो कि एक इंतहाई अहमियत की बात है पाकिस्तान के हवाले से कि आलमी इदारे के जो सरबराह हैं वो पाकिस्तानी वज़ीर आज़म के साथ जॉइंट प्रेस करके मौसमियाती तब्दीली के जो असरात हैं, फिर पाकिस्तान पर ख़ास तौर पर उसके असरात हैं, इन सब का वो अहाता करेंगे। आज ही वज़ीर आज़म फिर इसी जो कॉन्फ्रेंस है उसमें अपना कलीदी खिताब भी करेंगे, पाकिस्तान का मौकफ पेश करेंगे।
बहुत शुक्रिया रियाजबर की तफसीलात से आगाह कर रहे थे हमें शर्म शेख से। और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ मौजूद हैं शर्म शेख में कॉप 27 सरबराह इजलास की मुशरका सदारत भी करेंगे और इस हवाले से क्लाइमेट चेंज के हवाले से तफसीलात से आगाह कर रहे थे। नाज़रीन को यहाँ आगाह करते चले वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर मोहम्मद बिन ज़ायद अल नाहयान के मिस्र में कॉप 27 सरबराही इजलास के मौके पर मुलाकात हुई है। दोनों रहनुमाओं का बाहमी मुफाद के मुश्तरका मकासद के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म ने सैलाब मुतासरीन की फराग दिलाना इमदाद पर यूएई की क़यादत और आवाम का शुक्रिया अदा किया। मौसमियाती तब्दीलियों के असरात से निमटना तन्हा तरक्की पजीर ममालिक के बस में नहीं है। आलमी बरदारी को मिलकर कुर्रे अर्ज़ की बका का मुश्तरका चार्टर बनाना होगा। इसी पर बात करेंगे। प्रोफेसर डॉक्टर ताहिर हयात मलिक साहब ने हमें ज्वाइन किया है, आप एक्सपर्ट्स हैं क्लाइमेट चेंज के हवाले से। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आपका भी शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक है। डॉक्टर साहब अब बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हो रही है कॉप 27, 100 से ज़्यादा सरबराहान ममलिकत मौजूद हैं। पाकिस्तान कितना स्ट्रांगली अपना केस एक दफ़ा फिर दुनिया के सामने प्रेजेंट कर सकता है? जी बिल्कुल, मैं आपको थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बताऊँ कि बेसिकली जो कॉप 27 है बेसिकली ये है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टिसिपेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन फ्रेम वर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज। इसके जो मेंबर कंट्री हैं ये इस वक्त 195 मुल्क हैं जो इसके मेंबर कंट्री हैं, और इसमें वो मेंबर कंट्री हैं जो इसकी या तो काज बन रहे हैं या वो जो इससे अफेक्ट हो रहे हैं। और इस वक्त अगर आप रिसेंटली देखें कि पाकिस्तान ने जो इतना बड़ा एक क्लाइमेट चेंज की वजह से डिजास्टर फेस किया है फ्लड की फॉर्म में, वो एक बहुत बड़ी इसकी एग्जाम्पल है। और जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर भी अब इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए गए हुए हैं, तो हम उन ममालिक में से हैं जो इसमें पार्टिसिपेट तो शायद लेस देन 1% कर रहे हैं जो असरात लाने वाली चीज़ें हैं, लेकिन उसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं उनमें हम टॉप 10 दुनिया के कंट्रीज हैं जिनको हम फेस कर रहे हैं। तो ये जो अभी आपका सैलाब आया है और इसकी वजह से जो तबाही मची है, ये एक मेन एग्जाम्पल है जो पाकिस्तान दुनिया के सामने रखेगा कि उसकी वजह से वो कितनी तबाही फेस कर रहा है। अच्छा प्रोफेसर साहब, ये भी ज़रा फरमा दीजिएगा क्योंकि जिस तरह से हमने बताया कि सबसे बड़ा ये फैसला साजी का इदारा है अक्वाम मुतहदा के तहत जो काम कर रहा है, फिर आज हमने देखा एंटोनियो गुतेरेस साहब ने बड़े बाशगाफ अल्फाज में कहा कि हमें फैसला करना होगा इज्तमाई कोशिश या इज्तमाई खुदकुशी, तो ये इंटेंसिटी बताता है। पाकिस्तान 32 उनवाली की फहरिस्त में शामिल है सर जो लीस्ट प्रिपेयर्ड है फॉर द क्लाइमेट चेंज, तो आप क्या समझते हैं कि ये जो कॉन्फ्रेंस होने जा रही है जिसमें पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक अपना केस रखेंगे और लॉस एंड डैमेज की बात करेंगे, एक्सपेक्टेड कंक्लूजन क्या आप समझते हैं सर इस समिट का हो सकता है? जी बिल्कुल, इसमें पाकिस्तान इसमें एक मेजर कंट्री है जो इसमें इन्फेक्टेड है, और जिस तरह बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि यहाँ फैसला साजी का एक एक्शन लेना होगा। और इसमें जो एक बड़ा प्रॉब्लम है कि पाकिस्तान जैसे कंट्री में भी हम लोग भी उस लेवल पे प्रिपेयर नहीं है आने वाले हालात से कि क्या क्या मसाइल आगे जन्म लेंगे। तो इसमें जो सबसे बड़े जब ये फोरम बनाया गया फ्रेमवर्क, तो इसमें एक चीज़ें ये भी रखी गई थी कि एक तो डेवलपिंग कंट्रीज जो फ्यूचर में ऐसे प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं उनको ट्रेन किया जाए, उनके साइंटिस्ट को ट्रेन किया जाए, लोकल लेवल तक इसकी अवेयरनेस लाई जाए। और अनफॉर्चुनेटली हमारे कंट्री में इस चीज़ की बहुत कमी है। आप देखें कि हमारे जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पे डिफॉरेस्टेशन एक बहुत बड़ा अमल है जिसकी वजह से हमें ये बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है उसकी वजह से, और ये उसके फ्रेमवर्क में शामिल है कि डिफॉरेस्टेशन रुकानी है। उसके बाद उनका ये है कि एक ऐसी फंडिंग डिवेल्प की जाए जो उन कंट्रीज़ को सपोर्ट किया जाए कि ताकि वो इसके तदारुक के लिए कोई काम कर सकें। तो हमें इससे उम्मीद रखनी चाहिए कि हमारे जो सरबराहान वहाँ गए हुए हैं तो अपने केस को एक अच्छी तरह से वो प्रेजेंट कर सकें और दुनिया को ये बावर कराएं कि पाकिस्तान इस वक्त इसकी वजह से कितना प्रॉब्लम फेस कर रहा है और इसकी वजह से आगे खुराक और दूसरे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, एक छोटी सी बात है, हम देख रहे हैं बहुत बड़ा एग्रीमेंट था कॉप 21 में जो पेरिस एग्रीमेंट भी कहा जाता है और यूनाइटेड नेशंस, उसके बाद ये दूसरा बड़ा फोरम क्लाइमेट चेंज के हवाले से जहां पर दुनिया की बड़ी मईशतों ने एग्रीमेंट किया था और अर्थ के टेम्परेचर को कम लाने के हवाले से किया, जो कल आज एक रिपोर्ट पेश की गई है यूनाइटेड नेशंस की जानिब से क्लाइमेट चेंज के हवाले से, उसमें तो अहदाफ हासिल होते हुए नज़र नहीं आ रहे। जी बिल्कुल, आप जैसे देखते हैं कि इकोनॉमिक क्राइसिस गुजरा है पूरी दुनिया के अंदर, तो इसके अंदर जो एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ रही है कि जो डेवलप कंट्री हैं जैसे आप अमेरिका को लें या इस तरह से दूसरे कंट्रीज हैं जो इसमें मेन कंट्रीब्यूटर भी हैं,
लेकिन उनको सबसे पहले स्टेप लेना चाहिए इन चीजों को कंट्रोल करने में, लेकिन बदकिस्मती से वही कंट्री इसमें स्टेप लेने को तैयार नहीं है। जब तक वो कंट्री इसमें पहल नहीं करेंगे, इसमें आगे नहीं बढ़ेंगे, तो ये चीजें अचीव नहीं हो पाएंगी। और जैसे आपने देखा कि यूनाइटेड नेशन ने जो रिपोर्ट प्रेजेंट किया उसमें भी सबसे बड़ा पॉइंट यही है कि जो डेवलप कंट्री हैं जो ग्रीन हाउस गैसेस और इस तरह की चीजें प्रोड्यूस कर रहे हैं जो क्लाइमेट चेंज को सीरियस नुकसान पहुंचा रही हैं, वो उनको अभी तक कंट्रोल करने में अपने कंट्रीज में नहीं हो सके, तो मैनेज नहीं कर पा सके। और अगर इस तरह का रवैया रहा तो वो कंट्री तो अफेक्ट होंगे ही होंगे, उनकी वजह से उनके जो नेबरिंग कंट्रीज हैं वो ज्यादा प्रॉब्लम फेस करेंगे। तो इसमें सारी दुनिया को एक पेज पे आके सोचना होगा कि हमने किस तरह से खुद भी बचना है। और वही बात जो वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज़ शरीफ ने अपने ट्वीट के जरिए भी कही, और वहां पर भी जब उनकी मुलाकात हुई मुख्तलिफ सरबराहानी मुमलिकत से, तो उन्होंने यही बात की कि इज्तमाई काविश, इज्तमाई कोशिश वक्त की अहम जरूरत है। बहुत शुक्रिया माहिर माहौलियात डॉक्टर मलिक ताहिर हयात, आप हमारे साथ रहे। रियाज बरकी हमारे साथ मौजूद हैं शर्म शेख से। मिस्र का ये शहर है जहां पर COP27 सरबराहान मुमलिकत इजलास जारी है, इसका बाकायदा आगाज हो चुका है। अक़वामे मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेस ने इससे खिताब किया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज़ शरीफ पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं और इस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान में आने वाले सैलाब की वजह से क्लाइमेट चेंज इसका बुनियादी वजह बना। तो रियाज बरकी से मज़ीद तफ़सीलात जानेंगे, क्या इस वक्त सूरत हाल है शर्म शेख में, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज़ शरीफ की क्या मसरूफियात हैं, और एक अहम कॉन्फ्रेंस है इसके आउटकम्स के हवाले से पाकिस्तान कितना पुरउम्मीद है। रियाज बरकी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया रियाज बरकी। आप क्या देख रहे हैं, 100 से ज्यादा ममालिक के सरबराहान हुकूमत सरबराहान ममलिकत मौजूद हैं, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज़ शरीफ मौजूद हैं वहां पर, और इस COP27 का आगाज हो चुका है। अब आज का दिन अभी तक की क्या एक्टिविटीज रही हमारे नाज़रीन के साथ शेयर कीजिएगा। जी बिल्कुल, जिस तरह आपने कहा कि ये कॉन्फ्रेंस शुरू हो चुकी है, मिस्र के सदर अब्दुल फताह सीसी उन्होंने इनागोरल स्पीच किया, फिर अक़वामे मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने भी खिताब किया है जिसमें मौसमियाती तब्दीली के हवाले से बात हुई है। मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त पाकिस्तान को जो है खसूसी अहमियत इसलिए हासिल है कि जब वहाँ पर सबसे पहले मौसमियाती तब्दीली के हवाले से जो डॉक्यूमेंट्री चलाई गई उसमें पाकिस्तान का खास तौर पर जिक्र किया गया और तफसीली जिक्र किया गया, सेक्रेटरी जनरल के वहाँ के विजिट का बताया गया, वहाँ पे जो तबाही आई है उस हवाले से। दूसरा, इस वक्त मैं मौजूद हूँ यहाँ पर, जो जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं उनके पवेलियन बनाए गए हैं, तो पाकिस्तान का पवेलियन जो है सबसे टॉप पर है, उसकी जो फहरिस्त है वो पाकिस्तान की टॉप पर है, और सबसे ज़्यादा इस वक्त यहाँ पर रश पाया जाता है, सबसे ज़्यादा यहाँ पर मीडिया है, लोग हैं, इसलिए कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और अक़वामे मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अब से कुछ ही लम्हे बाद यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। वो इस पवेलियन का विजिट करेंगे, यहाँ पर वो मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से भी खिताब करेंगे, और उसमें खासतौर पर जो मौसमियाती तब्दीली के असरात हैं उस पर वो जो है वो तबादला ख्याल करेंगे। और दूसरा ये है कि पाकिस्तान के जो इस पर असरात हैं तरक्की पजीर, इसमें खासतौर पर जो तवज्जो दी जा रही है इस कॉन्फ्रेंस में कि तरक्की पजीर ममालिक पर मौसमियाती तब्दीली के क्या असरात हो रहे हैं, तो पाकिस्तान जो है लेटेस्ट इसका और सबसे पहला इसका विक्टिम है, इसलिए ज़्यादातर पाकिस्तान को तवज्जो दी जा रही है। पूरे पवेलियन में इस वक्त पाकिस्तान का जो पवेलियन है, अब से हम थोड़ी देर बाद आपको दिखा भी सकेंगे कि खचा खच भरा हुआ है इंटरनेशनल मीडिया से, लोगों से, क्योंकि अक़वामे मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल हवाले से आपसे इस हवाले से भी आपसे सवाल करेंगे, इस हवाले से भी डिटेल आपसे मालूम करेंगे, लेकिन बड़ी अहम बात हमने ये देखी कि वज़ीर आज़म जो है इस पूरी कॉन्फ्रेंस में मरकज़ निगाह रहे, अपनी उन काविशों की बदौलत, अपने उन स्टेप्स की बदौलत, अपनी उस तवाना और मौसर आवाज़ की बदौलत जो पाकिस्तान सैलाब के साथ जब मुतासर हुआ तो वो डिफरेंट फॉरम्स पर उठाते रहे। एक तो इस हवाले से बताइएगा, दूसरा वज़ीर आज़म की अहम मुलाकातें हुई हैं मुख्तलिफ सरबराहान मुमलिकत से, उस हवाले से भी डिटेल शेयर कीजिएगा। जी बिल्कुल, एग्जैक्टली आपने सही कहा कि देखें मरकज निगाह इसलिए रहे कि उनकी एक ही दिन में अगर आप उनकी मुलाकातों का शेड्यूल देखें, मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद आल नाहयान खसूसी तौर पर उनको दावत दी गई थी यहाँ पर इस कॉन्फ्रेंस में, क्योंकि मुत्तहिदा अरब अमारात बहुत ज़्यादा इकदाम कर रहा है मौसमियाती तब्दीली के असरात रोकने के लिए, और उसने ऐलान कर रखा है 2050 तक नेट ज़ीरो का, तो उनसे मुलाकात की है, उनका शुक्रिया अदा किया, एक तो जो सैलाब मुतासरीन की उनकी मदद की, दूसरा ये कि मौसमियाती तब्दीली के हवाले से तफसीली बात हुई। इराक के सदर अब्दुल लतीफ़ राशिद से उनकी मुलाकात हुई, ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान से, इंडोनेशिया के नायब सदर मारूफ अमीन से, लबनान के वजीर आजम नजीब मिकाती से, यूरोपीय यूनियन के कमिश्नर अरसला वोन से, अरब लीग के सेक्रेटरी जनरल हैं, IMF के हैं, और दीगर जो हैं रहनुमाओं से, उनकी अमीर कुवैत से उनकी मुलाकात अभी शेड्यूल है, मिस्र के सदर से भी उनकी मुलाकात शेड्यूल है,
तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस कदर उनका मसरूफ़ दिन है, और आर्मी रहनुमा जो है उनसे मिल के वो सुनना चाहते हैं, क्योंकि मौसमियाती तब्दीली एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है इस वक्त, हकीकत बन चुकी है, और वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म से सुनना चाहते हैं, उनके तजुर्बात से इस्तेफादा करना चाहते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया रियाज बरकि, आप हमें शर्म शेख से तफसीलात से आगाह कर रहे थे। COP27 का आगाज हो चुका है, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की क्या मसरूफियात हैं, और इंटरेस्टिंग नाजिया इसमें है कि पाकिस्तान पवेलियन में अपने कुछ देर बाद विजिट होगा, यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल होंगे, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ होंगे, और पूरी दुनिया में जो मीडिया है वो इस वक्त पाकिस्तान के पवेलियन में मौजूद है, और पाकिस्तान में सैलाब ने जो तबाही मचाई है उस हवाले से इस पवेलियन में पूरी दुनिया की आगाही के लिए और पाकिस्तान के केस को वो स्ट्रांगली प्रेजेंट किया गया है। बिल्कुल, कुछ आगे बढ़ते हैं जनाब, और बात कर रहे हैं मुलाकातों की, तो इस हवाले से आपको अपडेट्स दें कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और अरब लीग के सेक्रेटरी जनरल अहमद अबू अलगैद के दरमियान मिस्र के शहर शर्मुल शेख में मुलाकात हुई। इस मुलाकात में दो तरफा और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने मौसमियाती तब्दीलियों के तबाहकुन असरात से बचाव के लिए भरपूर तआवुन पर इत्तेफाक किया है। वज़ीर आज़म ने अरब लीग के चार्टर और इसके हुसूल के लिए सेक्रेटरी जनरल के अज़्म को खिराज तहसीन पेश किया है। मौसमियाती तब्दीलियों के असरात से निपटने के लिए मुनाकिदा COP27 सरबराही इजलास के मौके पर वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से IMF की MD क्रिस्टालिना जॉर्जिवा ने भी मुलाकात की है। क्रिस्टालिना जॉर्जिवा से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि IMF के तआवुन को कदर की निगाह से देखते हैं। IMF प्रोग्राम पूरा करेंगे। उन्होंने कहा कि सैलाब मुतासरीन की फौरी मदद और बहाली के लिए बजट तखमीनों में तब्दीली लाए हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि कोरोना आलमी का साथ बाजारी के बाद सैलाब की सूरत हाल के पाकिस्तान के मौशी बहाली की रफ्तार पर मनफी असरात मुरतब हुए हैं। अवाम की जान बचाना और मुतासरीन सैलाब की बहाली पहली तरजीह है। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि उम्मीद है कि COP27 कॉन्फ्रेंस मौसमियाती इंसाफ दिलाने में संग मील साबित होगी। असल वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ कहते हैं कि आज दुनिया को सदी के जिस सबसे बड़े चैलेंज का सामना है वो मौसमियाती तब्दीली है। आने वाले नस्लों के लिए साफ सुथरा माहौल छोड़ना हम सब पर फर्ज है। इस हवाले से वज़ीर आज़म ने अपने ट्वीट में कहा कि आलमी रहनुमाओं की गुफ्तगू मौसमियाती तब्दीलियों के खिलाफ हमारी जद्दोजहद के मुस्तकबिल को तश्कील देगी। COP27 को हमें हर कीमत पर कामयाब बनाने के लिए अहद करना है। अक़वामे मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेस ने अक़वामे मुत्तहिदा की जारी करदा एक रिपोर्ट पर रद्दे अमल देते हुए कहा है कि हमारा सैयारा खतरे की घंटी बजा रहा है। उन्होंने कहा कि नतायज की रोशनी में COP27 को फौरी और काबिले एतबार कार्रवाई का आगाज करना चाहिए। रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले मुसलसल 8 साल रिकॉर्ड शदीद गर्मी रही है। अक़वामे मुत्तहिदा की वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की ताजा तरीन रिपोर्ट में कहा गया है कि सनती दौर से लेकर अब तक आलमी दर्ज हरारत में 1.15 सेंटीग्रेड का इजाफा हुआ है। रिपोर्ट में मौसमियाती तब्दीली के दीगर वसी असरात के बारे में भी खबरदार किया गया है, जिसमें सतह समंदर में इजाफे, ग्लेशियर्स के बड़े पैमाने पर पिघलने और रिकॉर्ड तोड़ गर्मी की लहर शामिल है। दीगर खबरों का रुख करते हुए आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत हुई। चीफ जस्टिस उमर अता बिंदियाल की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने समाअत की। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान पर फायरिंग के वाकये की 24 घंटे में FIR के इंदराज का हुक्म दिया। चीफ जस्टिस ने IG पंजाब को हुक्म दिया कि कानून के मुताबिक FIR का इंदराज यकीनी बनाया जाए। पुलिस की तरफ से कानून के मुताबिक उठाए गए इकदाम पर इसे अदालत की हिमायत हासिल होगी। IG पंजाब ने बताया कि FIR के हवाले से पंजाब हुकूमत के एतराजात हैं। खबरें और भी हैं लेकिन वक्त हुआ है ब्रेक का, साथ रहिएगा। कुदरत ने आपको हर नेमत से नवाजा है, आपके पास लामहदूद वसाइल मौजूद हैं, आपकी रियासत की बुनियादें मजबूती से रखती गई हैं। अब ये आपका काम है कि न सिर्फ इसकी तामीर करें बल्कि जल्द अज जल्द और उम्दा से उम्दा तामीर करें। सो आगे बढ़िए और बढ़ते ही जाइए।
बिजली का बिल है, किसान वो नहीं देगा, वो सोलर की जो किस्त है वो अदा करेगा, और उसके बावजूद हुकूमत पाकिस्तान जो कर्जा है उसकी पूरी जो उसकी जो इंटरेस्ट कॉस्ट है वो हम भरेंगे इंशाल्लाह। इससे बड़ी मैं समझता हूँ कि किसान भाई के लिए और कोई मराहत हो नहीं सकती जो कि मखलूत हुकूमत ने जो जिसका फैसला किया। हम एक फिक्स कॉस्ट अब लेंगे किसान से 13 रुपये फी यूनिट, जिसके ऊपर 43 अरब रुपये की सब्सिडी किसान भाइयों को दी जा रही है। वेलकम बैक नाज़रीन, अब कुछ बात कर लेते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से। कारोबारी हफ्ते का पहला दिन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेज़ी का रुझान देखा गया और 100 इंडेक्स में 191 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 42,047 पर बंद हुआ। एक वक्त था सुबह ट्रेडिंग का आगाज़ हुआ तो स्टॉक मार्केट में भरपूर तेज़ी का रुझान देखने में आया। 315 पॉइंट्स का इजाफा भी देखा गया पहले घंटे में। बाजार हिस्से में 24,02,19,000 से ज़्यादा शेयर्स का कारोबार हुआ, जिनके मालिक 5,44,75,00,000 रुपए से ज़्यादा थी। स्टॉक मार्केट में 193 कंपनीज के शेयर्स की कीमतों में इजाफा, 131 कंपनीज के शेयर्स की कीमतों में कमी, जबकि 32 कंपनी के शेयर्स की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं हुई। साथ डॉलर की कदर में 26 पैसे की कमी हुई, जिसके बाद इंटरबैंक में डॉलर की कीमत 221.66 रुपये पर आ गई, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत खरीद 225.05 रुपये, कीमत फरोख्त 227.75 रुपये पर आ गई है। वजारत दाखिला ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब को खत में पंजाब हुकूमत की जानिब से हाई प्रोफाइल केस में कोताही पर जवाब तलब किया है। खत में यह कहा गया है कि 3 नवंबर को तहरीक इंसाफ के काफिले पर फायरिंग के हाई प्रोफाइल केस में कोताही पर जवाब दें। मामले को गलत तरीके से संभालना इंतहाई गफलत के मुतरादिफ है। खत में कहा गया है कि शरपसंदों के छोटे ग्रोहों की जानिब से मरकजी शाहराहों और सड़कों की बंदिश से पंजाब के शहरों में निजाम जिंदगी मफलूज हो गया है और बैनुल अजलाई नकलो हरकत भी मुतासिर हुई है। अमनो अमान की सूरत हाल को संभालने के लिए सूबाई पुलिस और इंतजामिया की नाअहली ने आइन के आर्टिकल 15 के तहत आजादाना नकलो हरकत के बुनियादी हक की खिलाफवर्जी की है। खत में कहा गया है कि लाहौर में गवर्नर हाउस पर शरपसंदों के हजूम का हमला तशवीशनाक है। ये जरूरी है कि सूबाई हुकूमत अमनो अमान की बहाली और तमाम शहरियों की जान माल के तहफ्फुज को यकीनी बनाने के लिए फौरी तौर पर अपनी कोशिशों को तेज करे। वजीराबाद के वाकये के तनाजुर में कहा गया है कि मस्कूरा केस की FIR वाकये की हकायक पर मबनी मेरिट पर दर्ज की जाए। नाज़रीन, इस्लामाबाद में बिला इजाजत एहतजाज करने वालों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इंतजामिया से इजाजत के साथ मुख्तस मुकाम पर एहतजाज करें। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक सियासी जमात के रहनुमाओं का इस्लामाबाद आमदोरफ्त के रास्ते बंद करने के ऐलान से शहरियों, तलबा और मरीजों को मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। वफाकी दारुलहुकूमत में बिला इजाजत एहतजाज करने वालों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। शनाख्तशुदा सियासी कारकुनान के खिलाफ मुकदमा दर्ज, गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई जारी है। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आने वालों के लिए रास्ते खुले रखे जाएंगे। एयरपोर्ट के लिए बिला रुकावट आमदोरफ्त कौमी तशख्स के लिए अहमियत के हामिल है। और सर्दियों की पहली बारिश, गालिबन बहुत सारे इलाके ऐसे हैं नाजिया जहां पर सर्दियों की तो खैर ये पहली बारिश नहीं, दूसरी बारिश थी, और वहां पर बर्फबारी का भी आगाज़ हो गया है। महकमा मौसमियात ने आज भी पेशगोई की है, जज्वी तौर पर अबर आलूद रहेगा मतलब, और इस हवाले से एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं, मेट्रोलॉजिस्ट क्या कहते हैं, उनसे जानते हैं। बिल्कुल ठीक, हमारे साथ हमें ज्वाइन कर चुके हैं डॉक्टर ज़हीर बाबर साहब, माहिर मौसमियात हैं। बहुत शुक्रिया ज़हीर बाबर साहब, आपने वक्त निकाला, बहुत शुक्रिया आपका भी। अच्छा डॉक्टर साहब, हम देख रहे हैं कि मौसम जो है वो भरपूर तरीके से सर्दियों की जानिब गामजन है और बर्फबारी भी शुरू हो चुकी है। आने वाले मौसम के हवाले से मैं चाहूंगी थोड़ा सा पहले हमें बता दीजिए। जी बिल्कुल, इस वक्त जो मुल्क के पहाड़ी इलाके हैं उनमें बर्फबारी हुई है, इसी तरह जो मुल्क के मैदानी इलाके हैं खासतौर पर पंजाब के बालाई मैदानी इलाके, इनमें कल भी और 2 रोज तक जो है वो वक्र से बारिश का सिलसिला जारी था। इसी तरह बलूचिस्तान के कुछ हिस्सों में और कराची के बाद मकामात पर भी सर्दी की पहली बारिश जो है वो हुई है। कल तो मुल्क के ज्यादातर हिस्सों में मौसम जो है वो खुश्क रहेगा,
और लेकिन मुल्क के पहाड़ी इलाकों में मतलब जजी तौर पर अपार आलोग रहने की तो है। लेकिन एक रोज़ बाद यानी कि बुध और जुमेरात के रोज़ एक दफ़ा फिर रावलपिंडी, इस्लामाबाद, इस तरह लाहौर, कुजरांवाला, सियालकोट, खैबर पख्तूनख्वा के बालाई पहाड़ी इलाकों में, कश्मीर में और बल्तिस्तान में एक दफ़ा फिर जो है वो गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। डॉक्टर साहब, हम देख रहे हैं जिस तरह से बारिशें हुई प्री मानसून में, मानसून में और फिर पोस्ट मानसून बारिशें हुई और काफ़ी शदीद बारिशें हुई, टेम्परेचर्स ऊपर जा रहे हैं और जो मौसमी शिद्दत है उसमें इजाफा होता जा रहा है, सर्दियों के हवाले से क्या प्रेडिक्शन है, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, सर्दी की शिद्दत में इस मरतबा इजाफा होगा इस मौसम सरमा में या फिर दौरानिया कम हो जाएगा सर्दियों का? इस वक्त तो हम जो फॉल सीजन है उससे गुजर रहे हैं, इनके खजान के पीरियड से, उसके बाद फिर दिसंबर, जनवरी और फरवरी जो है वो पीक सीजन होते हैं, विंटर सीजन। ओवरऑल जो इस वक्त जो क्लाइमेट मॉडल्स जो हैं वो एक तरह का क्लोज टू नॉर्मल रेनफॉल्स हैं वो प्रिडिक्ट कर रहे हैं। इसी तरह जो जो हमारे नॉर्दर्न पार्ट्स हैं उसमें भी नॉर्मल टू बिलो नॉर्मल रेनफॉल्स जो हैं वो एक्सपेक्टेड हैं। इसी तरह जो टेम्परेचर्स हैं वो भी नॉर्मल रेंज में ओवरऑल मुल्क के ज़्यादातर हिस्सों में हैं, तो इसलिए इसका मतलब ये है कि सर्दियाँ जो हैं ओवरऑल जिस तरह नॉर्मल की कंडीशन होती हैं उसके मुताबिक ही होंगी। डॉक्टर साहब, हमारे उन सयाहों के लिए जो कि इन इलाकों का रुख करते हैं ख़ास तौर पर बर्फ़ देखने के लिए, तो उन हवालों से बता दीजिएगा कि जो हमारे ऐसे इलाके हैं जैसे कि आरान, कागान है या मरी है, वहाँ पर बर्फ़बारी का सिलसिला जो है वो कब से कब तक रहने की तवक्को है और कितना हो सकता है, ये ज़्यादा हो सकता है? नहीं, फिलहाल तो क्योंकि नवंबर का महीना है इसमें सिग्निफिकेंटली ज़्यादा स्नोफॉल जो है वो नहीं होती, मरी में भी खास तौर पर फिलहाल स्नोफॉल एक्सपेक्टेड नहीं है, बारिश है। जैसे कागान और नारान के जो हिल टॉप्स हैं उनमें तो स्नोफॉल ज़्यादा एक्सपेक्टेड है, लेकिन जो वैलीज वगैरह हैं उनमें फिलहाल एक्सपेक्टेड नहीं है। और कल तो ओवरऑल ज़्यादातर मौसम खुश्की होगा, लेकिन वेनसडे और थर्सडे वाले दिन बुध और जुमेरात के रोग जो बलाई पहाड़ी इलाके हैं, जो हिल टॉप्स हैं कश्मीर के हैं, खैर पख्तूनख्वा के हैं, गिलगित बल्तिस्तान के, उनमें स्नोफॉल वगैरह जो है वो एक्सपेक्टेड है। अच्छा डॉक्टर साहब, पाकिस्तान में चूँकि अब रबी की फसल के लिए बिजाई हो रही है और गंदम के लिए काश्तकार देख रहे हैं, तो मौसम के हवाले से आगाह कीजिएगा कि हमारे जो ज़रई इलाके हैं, पाकिस्तान का बेशतर इलाका ज़रात से वाबस्ता है, पंजाब के मैदानी इलाके हों, जनूबी पंजाब हो, सिंध के बलाई इलाके, बलूचिस्तान के इलाके, सैलाब ज़दा इलाके जो है वहाँ पर भी मौसम के क्या असरात रहेंगे, बारिशें एक्सपेक्टेड हैं, ये बारिशें अच्छी हो सकती हैं फसल के लिए या फिर ये ख़तरनाक होंगी? जो वीट क्रॉप है उसके लिए तो ये बारिशें जो है वो सूटबंद हैं और ये अच्छी बारिशें साबित होंगी जिन इलाकों में वीट क्रॉप जो है जहाँ पे बिजाई की जा रही है उनके लिए तो बेहतर है। लेकिन जो सदर्न पार्ट्स हैं उनमें ओवरऑल ज़्यादातर तो मौसम खुश्क है फिलहाल, और नवंबर के महीने में भी ओवरऑल जो है वो ज़्यादातर जो है वो कम ही बारिशें रिकॉर्ड की जाती हैं। ठीक, बहुत शुक्रिया डॉक्टर ज़हीर बाबर, चीफ मेट्रोलॉजिस्ट, आप हमारे साथ रहे। नाज़रीन, हमें मौसम के हवाले से डिटेल से आगाह कर रहे थे कि आने वाले वक्त में मौसम की शिद्दत कैसी रहेगी और किन किन इलाकों में जो है बारिश और या बर्फ़बारी मुतवक्के है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं और मानसेरा की बात कर लेते हैं। आज तीसरे रोज़ भी मैदानी इलाकों में बारिश और बालाई इलाकों में बर्फ़बारी का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है, जिससे सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। वादी कुंश, वादी सरन और वादी कागान के पहाड़ों पर भी बर्फबारी जारी है। सियाहती मकामात सिरिपाय, नारान, बटाकुंडी समेत मुलेगा इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश और बर्फबारी जारी है। नारान में अब तक 6 इंच से ज्यादा बर्फ पड़ चुकी है। वादी कागान के मुख्तलिफ मकामात पर कागान डेवलपमेंट अथॉरिटी का स्टाफ भारी मशीनरी के साथ सयाहों और मकामी लोगों की मदद के लिए मौजूद है, ताकि सयाहों और मकामी लोगों की किसी भी इमरजेंसी की सूरत में मदद की जा सके। उधर स्कर्दू समेत बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश, जबकि तमाम पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी है, जिससे इलाके का मौसम खासा सर्द हो गया है। खराब मौसम के बायस इस्लामाबाद और स्कर्दू के माबैन परवाज भी मनसूख हो गई है। नाज़रीन, मौसम सरमा का आगाज होते ही वबाई बीमारियों में भी इजाफा हो रहा है। माहिरीन सेहत का कहना है कि नज़ला, जुकाम और खांसी महज एलर्जी की अलामत भी हो सकती हैं, अज़ खुद अद्वियात लेने से गुरेज किया जाए। मज़ीद क्या तफ़सील है ये जानिए मलिक उमर से।
मौसम सरमा में तकरीबन हर कोई मौसमी नजला जुकाम का शिकार होता है। सर्दी की शिद्दत बढ़ने के साथ इस साल भी ऐसे मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है। कोरोना वबा की मौजूदगी में मामूली नजला जुकाम से भी खौफ आता है। माहिरीन के मुताबिक मौसमी नजला जुकाम होने की कई वजूहात हैं, जिनमें कमजोर कुव्वत मुदाफियत, बीमार अफराद से दूरी न रखना और इन्फेक्शन का सर्द मौसम में तेजी से फैलना शामिल है। कॉमन फ्लू में जो असल जो प्रॉब्लम होता है कि लोग इनडिस्क्रिमिनेट सिर्फ मेडिकेशन करते हैं, हल्का सा बुखार हो गया बजाय गोइंग फॉर टेस्ट, डॉक्टर्स भी समटाइम ये भी करते हैं, अननेसेसरी एंटीबायोटिक्स देते हैं। सबसे बड़ा कॉमन प्रॉब्लम यहाँ पे जो आ रहा है वो उसको हम कहते हैं एथलीट्स अस्थमा। अब उसमें भी वो बंदा आया, उसको खांसी शुरू हो गई या कि एंटीबायोटिक शुरू कर दिया, विद द पैसेज ऑफ टाइम वो सेल्फ कंटेंड है ना, वो अब आप एट्रीब्यूट करेंगे जी कि एंटीबायोटिक से मैं ठीक हो गया। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, कोशिश ये करें कि आप गर्म से ठंडी की तरफ ना जाएं फौरन, मतलब एक बैलेंस में रखें तो आपका इन्फेक्शन रुक जाएंगे। माहिरीन सेहत के मुताबिक नजला जुकाम वाले अफराद से दूरी रखने से काफी हद तक इन अमराज से महफूज रहा जा सकता है। छोटे बच्चों और बुजुर्ग अफराद को महफूज बनाने के लिए फ्लू की वैक्सीन लगवाना भी मुफीद है। डायबिटीज, गुर्दों या दिल के अमराज में मुब्तला लोगों को भी वैक्सीन लगवानी चाहिए। मलिक उमर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। जी हाँ बिल्कुल, आज खुद अद्वियात लेने से गुरेज करें। डॉक्टर्स इसीलिए मौजूद होते हैं कि उनसे मशवरा लिया जा सके और उनकी हिदायत की रोशनी में अमल किया जा सके। इसी के साथ ही न्यूज़ शो एट 6 से फिल वक्त इतना ही। आप साथ रहे, आपका शुक्रिया।